How a diary was to Anne Frank. अगर आप Anne Frank को जानते हैं, she was one of the very remarkable figures during the World War II. तो उनकी किताबें पढ़ी आती हैं अभी भी. And she wrote a diary which is known till date. And so similar terms में this camera is your that diary जहाँ पे आप हर चीज share करते हो. But इसमें फर्क ये है कि this is in a form of video and that was in a form of book. So you have to let this camera be your best friend and see what it likes the most about you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Welcome back to another vlog. Next, that is day 2, day 29th of December 2020. First, breakfast kar sakte hain. Second, lunch kar sakte hain. Third, snacks. Ek garam chai ki pyali ho. कोई हमको पिलाने नहीं कोई तुमको पिलाने वाली हो या पिलाने वाला हो आज तो हमारी मर्जी का सब होगा खाना नाश्ता डिनर कौन सा जब पहली बार हम लोग यूज करने लगे थे तो हमने बोला था कि ये कैमरा यूज करेंगे ना तो अपने को टेनिस एल्बो हो जाएगा जो सचिन को हुआ था खेलते खेलते बड़ा सिंपल सा नुस्खा है फिटनेस देखने का कि अगर आप जमीन पे आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ ऐसे हम अभी बेड पे बैठे हुए हैं ऐसे आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ एंड देन आप बिना हाथ कहीं सहारे लेके मतलब कुछ बिना पकड़ के आप नॉर्मली उठ जाओ अगर आप उतना ही कर पाए तो यू आर फिट साल पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था तो वहां पे जो मेरे सुपरवाइजर हुआ करते थे he used to be an Italian and वो दिन में 7-8 एस्प्रेसो मतलब कि छोटी सी एक कंसंट्रेटेड कॉफी होती है he used to drink it मतलब जैसे हमारे यहाँ पे चाय पीते हैं तो उनके यहाँ पे इटालियंस तो कॉफी पीते ही हैं एंड देन उनके साथ रहते रहते मेरा भी यही वाला हो गया तो एक मशीन थी वहां पे जाके जाओ छोटी सी कप आती है भरो 7-8 पहले पहले तो मैं एकदम बस कंपनी के लिए जैसे होता है ना कभी कभी आप किसी वहां पे चले जाते हैं थड़ी वड़ी में जहां पे लोग सिगरेट पी रहे हैं जस्ट टू मिंगल विद दोस पीपल तो वैसे ही ये वाला था कि मेरे को कॉफी पीना नहीं था पर बात करनी थी तो चले गए फिर धीरे धीरे हुआ यू कि कॉफी की लत पड़ गई और कॉफी की लत ऐसी पड़ी कि अब मैं जहां पे भी जाता हूँ तो मैं एक छोटी वाली एस्प्रेसो पीता हूँ मेरे चाय पीने की वजह से क्या हुआ ये जो मैडम है इनकी भी चाय की पीने की कैपेसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे वरना तो ये दूध ही लेती हैं अच्छी बात है ना तो देखो हेल्दी हम जर्मनी आने के बाद ना हमने नॉर्मल ब्रेड खाना ही छोड़ दिया है नॉर्मल ब्रेड बोले तो जो यूएस में जैसे नॉर्मल व्हाइट ब्रेड मिलता है वो हमने खाना छोड़ दिया है और यहाँ पे दूसरे तरीके के ब्रेड आते हैं जो कि काफ़ी अलग अलग सीड्स मिक्स्ड रहते हैं उनमें और उनकी कलर भी ब्राउनिश होती है तो वो तो आपको देखने पे ही पता चलेगा और खाने पे पता लगेगा कि कैसा होता है बट हम अभी यूज टू हो गए हैं अगर आप नए नए खाना लगे हो जर्मन ब्रेड तो इतना जल्दी आप यूज टू नहीं हो पाएंगे इट टेक्स टाइम ओवर द टाइम बट वंस यू स्टार्ट लाइकिंग इट सो यू विल नॉट लाइक दैट नॉर्मल ब्रेड पर यहाँ पे जर्मनी में क्रिसमस के टाइम पे प्लेट्सचेन बनते हैं प्लेट्सचेन इज नथिंग बट छोटे छोटे बिस्किट्स जो कि ऐसे दिखता है ये
A few moments later. Arrasou! Käsekuchen! Ja, genau. Ach. Vielen Dank, Oma. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Dankeschön. Gutes neues Lebensjahr. Dankeschön. Finally, बन गया है ब्रेकफास्ट ये रहा इडली ये रहा किसकी चटनी है ये टमाटर की चटनी और ये क्या है कल के छोले पड़े हैं so what a few moments later आप खोलेंगे पनीर पनीर का कौन सा वैरायटी है ये चावल दिख रहे हैं तो पनीर कहाँ है ये तो हमारा काट दिया इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे चावल मिलते हैं फ्री आप कोई भी अगर सब्जी मिलाना ले लो ये देखिए आप पनीर एकदम तैरता हुआ दूसरा आइटम खोलिए 35 नंबर जल्दी 35 काम 35 और इन्होंने फाड़ दिया इसी के साथ ये वेजिटेबल कोरमा तो कुछ और ही लग रहा है इन्होंने मटर और मशरूम तो नहीं डाल दिया काजू बेस्ड ग्रेवी होगी ये देखो पर देखते हैं टेस्ट में देखते हैं कि कैसा होगा मुझे तो लग रहा है दोनों एक ही ग्रेवी हैं बस सामान अलग अलग है इनमें ये है पनीर इन ऑरेंज ग्रेवी और वो है वेजिटेबल इन ऑरेंज ग्रेवी और साथ में भरपूर चावल इसी के साथ पूरे दिन में कुछ करने को था नहीं तो सोचा सो जाते हैं क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है कि दोपहर के 4:30 बजे हैं है ना और बाहर का वेदर अंधेरा होने वाला है तो आदमी करे तो क्या करे आदमी सोएगा खाएगा और व्लॉग करेगा तो सुबह 8:30 बजे से हम लोग उठे हुए हैं 8:30 बजे इन मैडम का कॉल आ जाता है और फिर सबको विश करना है नितिका मैम सबको सबके विशेस आने हैं कि करना है मैं तो नहीं मैं सबके सब तुमको करेंगे ना सबके विशेस नहीं सबके विशेस आए मुझे आए या सब फोन करके मुझे विश कर रहे थे भाई तुम्हारी हिंदी में तो गोल है तुम अभी पता चल रहा है ये हिंदी व्लॉगिंग करने से सोया एकदम भर के अब उठे हैं एंड अब है केक कटिंग एंड नाउ वी आर बैक टू केक कटिंग तो तुम उसको अब जलाएगा कौन इसको ओ, तुम जला अच्छा मैं जलाता हूँ जलाने का काम मेरा होता है ना कितना अच्छा केक बनाया तुमने आज थैंक यू